सबसे पहले आप लोगों के साथ एक विशेष सूचना साझा करूंगा। आप लोगों को चूंकि पता है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि और मैं अच्छे से इसे रिप्रेजेंट करूं, बताऊं आपको। यूपीपीसीएस ने फाइनली अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कैलेंडर जारी किया है। 20 मई को कैलेंडर आ चुका है। ये 20 मई 2019 को कैलेंडर जारी हुआ है और निश्चित तौर पर मुझे पता है कि आप में से सभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, है ना। तो कुछ लोग अभी नहीं देंगे, है ना, कुछ लोग अभी नहीं देंगे, और बहुत जल्द हम भी ये काम करने वाले हैं कि आप में दो कैटेगरी डिवाइड कर देंगे। एक होगा फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे अलग कर देंगे और फाइनल वाले अलग कर देंगे। जो इस साल देंगे वो अलग रहेंगे, फाउंडेशन वाले आराम से देते रहे, ठीक है। तो उनको दो साल, जिनकी पंचवर्षीय योजना है, जो 3-4-5 साल में जो है बाद जाके देंगे, उनका सेक्शन अलग, सेक्शन ए सेक्शन बी दो क्रिएट करेंगे। और जो उनमें से देखेंगे कि कौन फाइनल सेक्शन के लायक है, फाइनल सेक्शन का मतलब ये है कि कौन लायक है, जैसे जिसकी एनसीईआरटी अच्छी है, जिसका आंसर राइटिंग अच्छा है, उसको फाइनल में डाल देंगे, और जो बिल्कुल बेसिक है उसको बेसिक में बढ़िया आराम से यहीं पे बैठा के 2 घंटे एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, सब कुछ कराएंगे उनको आराम से, 2-3 साल बाद फिर वो एग्ज़ाम देंगे। तो आयोग ने जो है 20 अक्टूबर को तय किया है कि आप लोगों का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा 2019 का। टाइम काफ़ी मिल गया, उम्मीद नहीं थी कि आयोग इतना टाइम देगा, है ना, तो काफ़ी इनफ टाइम मिल गया आप लोगों को। किसको किसको देना है इस बार? 1, 2, 3, 4, 5। सीमा जी आप क्यों हाथ उठाए? 6, 7। आप क्या सर खुजला रहे थे कि हाथ ही उठाए थे? अच्छा, सर पे कुछ लग गया, मुझे लगा शायद पहले ऐसे फिर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, गलत उठ गया। तो इस बार का एग्ज़ाम जो है, मेरी बड़ी चाह है कि इस बार जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन से भी ऑफलाइन से भी, और इसके ऊपर हम काम ही करेंगे। पहली बार जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा जो बच्चे देंगे। निश्चित तौर पे हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे 1 सितंबर को, जो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं। कंप्लीट सिलेबस कुछ नहीं बचेगा उनका, ठीक है। जो लोग 1 साल पहले आए थे उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1 सितंबर को, गारंटेड, फुल गारंटी लेते हैं इसकी, ठीक है। वो 2-2 सेक्शन होंगे, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा। यही जून से ही, 2 जून में आईएएस का एग्ज़ाम हो जाए, इसके बाद पूरी प्लानिंग करेंगे और नए बच्चे भी बुलाएंगे तो उनके लिए अब सेक्शन ही अलग होगा, बैच अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो प्रॉपरली उस बेस पे काम करेंगे, क्योंकि जो नए लोग आएंगे उनसे पहले एनसीईआरटी पढ़वाएंगे, उनके लिए अलग पूरी स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे और फाइनल वालों के साथ अलग स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। यदि मुझे लगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है तो इसको भी फाउंडेशन से उठा के फाइनल सेक्शन पे डाल देंगे। तो ऐसी स्ट्रेटजी हम बनाने जा रहे हैं, और बेहतर होगा कि अब आप लोग जो है, जो लोग दे रहे हैं इस बार, ठीक है, जितने लोग भी दे रहे हैं आप लोग अभी से तैयारी पे लग जाएं। मैं टारगेट देना शुरू कर दूंगा, टारगेट जून से देना, जैसे ही आईएएस का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, जैसे पिछले साल मैंने किया था, टारगेट एग्ज़ाम किया था, टारगेट देना शुरू किया था। तो टारगेट में पहले आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड और फिर मेंस ओरिएंटेड। हम चूंकि 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा इस बार का, 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, तो मेरी पॉलिसी के अनुसार, मेरे रूल्स के अनुसार 20 सितंबर 2019 को आप पूरी तरीके से मेंस के लिए तैयार होने चाहिए। ये पॉलिसी आपकी रहेगी और इसी पॉलिसी पे हम काम करेंगे। 1 महीने का जो टाइम डिजाइन हमें मिलेगा, 1 महीने में हम कुछ और करेंगे, करंट ओरिएंटेड या क्रैश कोर्स या जो कुछ भी बेहतरीन से बेहतरीन हो पाएगा। या मैं क्विक रिवीजन क्लासेस भी चलाता हूँ, इस बार मैं आईएएस के लिए नहीं चला पाया, लेकिन पीसीएस के लिए लास्ट मोमेंट में भी चलाया था, मैंने पॉलिटी 3-4 दिन में ख़त्म की थी, जो पॉलिटी मैं 1.5-2 महीने में ख़त्म करता हूँ, तो ऐसे ही करेंगे। हिस्ट्री भी मैंने 3-4 दिन में ख़त्म की थी, ऐसे ही ज्योग्राफी की भी क्लास ली थी, तो क्विक रिवीजन क्लासेस भी कराएंगे। मतलब इन बच्चों के साथ काम करना है। इस बार मेरा उद्देश्य है कि कम से कम 1000 बच्चा आज़ाद आईएएस एकेडमी से प्रीलिम्स क्वालिफाई करे। इस बार 103 बच्चे मेंस दे रहे हैं हमारे, जिनका एग्ज़ाम है नज़दीक है, और इस बार मेरा टारगेट जस्ट 10 गुना करने का है। 1000 बच्चों को पीटी क्वालिफाई करवाना है। क्वालिफाई कराने का मतलब है पूरी रणनीति के साथ काम करेंगे और आप जो है निश्चित तौर पे इस बार हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है माइनस मार्किंग वगैरह आ गई तो पूरा माहौल गड़बड़ा गया था बच्चों का। इस बार प्रयास ये है कि इन सब चीज़ों से आप ऊपर उभरें और इस बार क्वालिफाई करें, ठीक है। पीटी के बाद फिर देखेंगे, 1000 यदि पीटी क्वालिफाई कर पाए मेरे बच्चे, इस बार अभी एक बताऊंगा आप लोगों को, बताऊंगा क्या, मिलवाऊंगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है मेरे, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, कल उनका फ़ोन भी आया। ये होनी चाहिए कि जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वाला 20 अक्टूबर वाला,
उन लोगों को चाहिए कि अब जो है जितना पढ़ा जा चुका है एक रिवीजन स्लॉट बना लें, उसका रिवीजन करना शुरू कर दें, करंट अफेयर्स पे काम करना शुरू कर दें। करंट अफेयर्स हमें चाहिए 1 अगस्त 2018 से लेके 20 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स, इस पे काम करना अभी से शुरू कर दें। रिवीजन स्लॉट करके रिवीजन बनाएं, जो टॉपिक बचे हुए हैं अपना ऑप्शनल अभी ही फाइनल करके ऑप्शनल पे काम करना शुरू कर दें, अभी ही सिनॉप्सिस बनाना शुरू कर दें, अभी ही सारे काम शुरू कर दें, तो ये एग्ज़ाम बड़ा आसान हो जाएगा। और जितने सेक्शन बचे हैं उनमें खुद भी काम करना शुरू कर दें। देखो, कोचिंग के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोचिंग का सिर्फ और सिर्फ मिनिमम या मैक्सिमम 10% रोल होता है आपकी सफलता में। 10% हमारा रोल है, 90% आपकी अपनी देन है। आपका जब भी सिलेक्शन होगा तो 90% आपकी मेहनत इस पे काम करेगी। 10% जो ये रोल है ये गाइडेंस का है, ना कि ये कि मैं कल्चर पढ़ा के चला जा रहा हूँ, ना कि ये मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा के चला जा रहा हूँ। मैं कल्चर पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन कल्चर आपके दिमाग में थोड़ा ना भर दे रहा हूँ, वो तो आप अपनी मेहनत से ही दिमाग में बैठाओगे ना। मैं तो आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ कि ये टॉपिक आपका आना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ा तो दी लेकिन किसी के दिमाग में मैंने भर तो ना दी, वो तो मेरे ही दिमाग में भरी है ना, है ना। मैं लेकिन टॉपिक बता के चला गया आपको और थोड़ा सा आसान वे पे समझा के चला गया। तो कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, कोचिंग सिर्फ गाइडेंस का रोल करती है जहाँ तक मेरा मानना है, और ये चीज़ को मैं फॉलो भी करता हूँ। ये चीज़ बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूँ, कोचिंग एक व्यापार है। लग रहे होंगे ये व्यापार है, बिजनेस है। यहाँ पे किसी के दिमाग में नहीं भरा कि आपका सिलेक्शन हो जाए क्या हो, वो तो ये है कि टर्नओवर बढ़ा रहे हैं अपना, पूरी इंडस्ट्री में यही चल रहा है। स्टूडेंट का जैसे ही आपका कोचिंग से ताल्लुकात ख़त्म, लोग सब ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लगता है अरे कोई मतलब नहीं, नया बैच नए बच्चों पे ध्यान जाना चालू हो जाता है। तो ओवरऑल ज़्यादा भरोसे में नहीं रहना किसी के, अपने दम पे दम रखनी है, अपने दम पे दम रखनी है, अपनी मेहनत पे दम रखनी है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो सिर्फ जो मेरा फ़र्ज है मैं उसे ईमानदारी से अदा कर दूँ, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यदि उसे ही नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं। और जहाँ तक कोशिश यही रहती है कि अपने फ़र्ज से आप ईमानदारी से अदा रखें, ऐसा ना रहे कि किसी के साथ आप खिलवाड़ करें। आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी 1% भी कोई सोच नहीं है, कोई वो नहीं है। जितनी मेहनत हो सकती है हम खुद मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मैं भी लगा हुआ हूँ, 1 सेकेंड के लिए भी ये नहीं रहता है कि बच्चों को। अब तो मेरी ज़िंदगी बन गए हो आप लोग, अब तो ज़िंदगी ऐसे गुजर भी जाएगी मुझे लगता है, बुढ़ापा मेरा बहुत शानदार गुजरेगा। क्योंकि अब क्या है कि 1 मिनट भी यदि इस इंडस्ट्री से पढ़ाने से दूर हो गया, कहीं चला गया, कुछ हो गया, बेचैनी होने लगती है, नशा हो गया पढ़ाना। तो अब तो 1 महीने से ज़्यादा मास्टर वीडियो के हो गए तो अजीब सा लगने लगता है कि मैंने कोई क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। तो मेरे तरफ से तो आप लोग जब तक जुड़े रहोगे, जो लोग चले भी गए आज के टाइम पे, यहाँ पे पढ़ते थे चले गए, कुछ लोग तो सेलेक्ट होकर के चले गए, कुछ लोग ऐसे ही चले गए, तो जो चले भी गए आज वो भी जहन में है। आज उनसे भी मैं फ़ोन कॉल करके बात जरूर कर लेता हूँ कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है। जो पहला बच्चा रहा होगा वो आज भी मेरे संपर्क में है, तो आप कभी भी संपर्क तो नहीं टूटेगा, ये तो पक्की बात है। और ये चीज़ हम ऑनलाइन में भी बोलते हैं कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक साथ में बने रहेंगे। जब तक आप लोगों का ऑफलाइन में सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप कोचिंग कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, कोई जाने को नहीं बोलेगा। क्यों अनिल जी नहीं आ जाए? अच्छा 2 जून वाले में लग गए, अब मानते नहीं है ये। देखो ये कितने 3-4 अटेम्प्ट खराब कर चुके है ना, पिछली बार वाला भी दिया था, उसके पहले वाला भी दिया था, मानते भी तो नहीं है ये इतने एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हैं, सिलेबस कुछ नहीं तैयार है, कुछ पूछ लो तो इधर उधर सर घुमाने लगते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो प्रॉपरली हमारा आपका रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, आप ख़त्म करोगे हम नहीं ख़त्म करेंगे, बस ये रहेगा। आप यदि बने रहोगे तो जब तक आप नहीं सेलेक्ट होगे तब तक हमारे साथ रहोगे, पूरी मेहनत करेंगे शिद्दत के साथ दोनों लोग मिलके। तो 20 अक्टूबर अभी बाकी के एग्ज़ाम का तो नहीं आया, समीक्षा अधिकार का अधिकारी का भी इन्होंने कुछ नहीं बताया है, समीक्षा अधिकारी का कुछ नहीं आया आपका। सिर्फ 20 अक्टूबर की डेट है, तो अब इसको लिख लो जो लोग देना चाहते हो और इस पे काम करना शुरू कर दो, समय कम बचा है। जितने भी लोग हैं जो इस बार का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, है ना। बाकी इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, कोई परेशानी हो इससे, आयोग के जो नोटिफिकेशन आया इससे जुड़ा हुआ कोई, ये सिर्फ दिया इन्होंने दिसंबर तक का दिया है। अब अगले साल ही इस बार मतलब समीक्षा अधिकारी का जो अगला एग्ज़ाम है वो अगले साल ही होगा, इस बार होगा नहीं समीक्षा अधिकारी।
और मेंस कब होगा ये भी नहीं बताया इसमें, यानी कि मेंस आपका जनवरी फरवरी, जनवरी में होगा या फरवरी में होगा या मार्च में होगा, तो मेंस की डेट भी आपकी लंबा खींचेगी। अक्टूबर में यदि एग्ज़ाम आएगा तो नवंबर दिसंबर दो महीने तो एग्ज़ाम का रिजल्ट और ये सब देने पे, वही जनवरी फरवरी तक नया कैलेंडर आएगा तब कहीं जाके उसमें डेट आएगी। तो बहुत प्रॉपर टाइम मिलेगा इस बार 20 अक्टूबर वालों को, और ये अब इस बार जो है अंतिम बैच भी बनाएंगे 20 अक्टूबर के लिए। यदि हो सका तो इस बार क्रैश कोर्स भी चालू करेंगे, देखेंगे यदि हो सका, संभव हो सका तो क्रैश कोर्स भी 20-25 दिन की क्लास जिसमें मैं बहुत फास्टली रिवीजन कराता हूँ पूरा, तो वो भी करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं अपनी विषय वस्तु को। तो सी सैट के लिए कल आप लोग की एक क्लास रखी गई थी, तो सी सैट अभी से करते जाना है ये ध्यान रखना। सी सैट हम अब बहुत जल्द चालू कर देंगे, आपका एक सेशन सी सैट का ही चलेगा, क्योंकि सी सैट बच्चा बड़े हल्के में लेता है, आपको दिमाग में रहता है कि 33% ही नंबर लाने हैं, लेकिन वो 33% आ नहीं पाते। अभी तक का जो रेशियो निकल के आया है कि 40% बच्चा फेल हो जाता है सी सैट में ही। आयोग को भी पता है कि भाई 33 ही लाने हैं तो अच्छा लेवल रखा जाए। तो आप में से जो भी इस बहकावे में हो, इस भ्रम में हो कि सी सैट बड़े आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, जो लोग मैथ बैकग्राउंड्स के भी हैं उनसे भी बोल रहा हूँ, सी सैट की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना है। सी सैट के लिए जीएस के मैनुअल आते हैं, कोई भी जीएस का मैनुअल ले लीजिए, चाहे यूनिक का ले लीजिए, टीएमएच का ले लीजिए, जीके का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, मैं कोई फाइनल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आते हैं ना मैनुअल मोटे से सी सैट वाला पेपर का, उसमें मैथ रीजनिंग या फिर घटना चक्र आती है सी सैट के लिए अलग, 3-4 वैल्यू में घटना चक्र निकालता है, एक मैथ का अलग निकालता है, रीजनिंग का अलग निकालता है, हिंदी कम्प्रीहेंशन का अलग निकालता है। तो जो ये आते हैं इनके माध्यम से भी आप पूरी तैयारी कर सकते हो जाएगा, है ना। तो जीएस मैनुअल एक ले लो और घटना चक्र से पिछले साल के क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं, और उस लेवल की तैयारी करना शुरू कर दो, पक्की बात है ना। तो डेली आधे घंटे निकालो, लेकिन सी सेट के लिए निकालो। कंप्रीहेंशन अब लेवल आईएएस में तो टोटली चेंज हो गया है, आईएएस में अभी देखना जब पेपर आएगा, मैं खुद एनालिसिस कराऊंगा 3 जून को या 4 जून को, मैं आपको आंसर की दूंगा, ठीक है, आंसर की दूंगा, ठीक है, इस बार जो है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। या फिर क्लास में ही हम पूरा, आप लोग क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी ले आइएगा सब लोग, ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे आईएएस के एग्जाम के यहीं पे हल करेंगे दोनों लोग मिलके साथ में, तो एक डिफिकल्टी पता चलेगी कि इस एग्जाम की डिफिकल्टी क्या है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, कैसे क्वेश्चन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको करने में कितना डिफिकल्टी महसूस होती है, या फिर अभी तक जो संस्था में पढ़ाया गया उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब भी आपको पता चल जाएगा। मैं पूरा प्रमाण दूंगा कि 2 जून में हमने कितनी मेहनत अभी तक की है, और आप में जो पेपर आएगा उस लेवल को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप सी सेट आसान नहीं रह गया है, पहला सेशन तो अच्छा जाता है, पहले सेशन में जीएस का होता है, दूसरे सेशन में ही ऐसा लगने लगता है कि अब मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी सैट ही क्वालिफाई नहीं होता। 33-34 नंबर का आप 33-34 क्वेश्चन कर भी आओगे तो कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि माइनस मार्किंग है, खींच पीच के फिर 23-22-24 वही निकल जाओगे। तो इसलिए सी सैट पे भी अभी से काम करना शुरू कर दो। यदि वो पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, ऑप्शनल धरा धरा रह जाएगा, पीटीए नहीं निकलेगा तो मेंस का क्या करोगे, खुद सोचो। इसलिए पीटी पे भी काम करना जरूरी है। मैंने इथिक्स खूब अच्छे से आपको पढ़ा दी, मैं आपको इंडियन पोस्ट पढ़ा के चला गया, वर्ल्ड पढ़ा के चला गया, लेकिन पीटीए नहीं क्वालिफाई हो रहा, फिर क्या करेंगे। तो इससे इसके लिए दोनों सेशन आपको सी सैट हम खुद कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, सी सैट की क्लासेस बहुत जल्द आपको, अब प्लानर मिलेगा आप लोगों को, और प्लानर में दो बैचेस क्रिएट होके मिलेंगे, फाउंडेशन बैच और फाइनल बैच। हमें फाइनल में किसे रखना है, फाउंडेशन में किसे रखना है, ऐसा सिस्टम पूरा क्रिएट करेंगे। जो फ्रेशर है टोटली, जो अभी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उनको फाउंडेशन में रखेंगे। फाउंडेशन वालों को ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, 5 क्लासेस 3-4 क्लासेस करके एनसीईआरटी के लिए 2-3 दिन देंगे, जल्दी से जल्दी उनकी एनसीईआरटी कवर करा के उनकी चेक की जाएंगी एनसीईआरटी, हाँ पढ़ ली गई, और अलग स्ट्रेटजी अलग होगी पूरी, उनकी एनसीईआरटी पढ़वाना, उनको बुक्स पढ़वाना, उनको नोट्स का काम करवाना, और जो फाइनल वाले हैं वो समझे हुए हैं कि ये लोग एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, ये सब कुछ किए हो। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े होंगे तो आपको फाउंडेशन में ही रखेंगे, आपको हम फाइनल में तब भी नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा और भी सारी चीज़ें, एक प्रॉपर टेस्ट लेंगे, मेरे एसोसिएशन वाले जानते होंगे मैं पूछता हूँ प्रॉपर, ठीक है, पूछा है मैंने कई लोगों से, तो जब मैं पूछूंगा तो पूछते समय ही उसी समय पता चल जाएगा कि फाउंडेशन लायक है या वो है। फाउंडेशन के लिए अलग क्वेश्चन रहेंगे और फाइनल के लिए अलग क्वेश्चन रहेंगे, जो लोग फाइनल योग्यता रखेंगे। फाइनल में क्योंकि हमारी रफ्तार तेज होगी, हमारा पूरा तरीका चेंज होगा। यहाँ पे क्या होता है कि हमें फाउंडेशन में हम स्पीड भी कम, बहुत धीमे धीमे बोला करेंगे,
उसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कत होती है, नए बच्चे आते हैं, दो क्लास लेते हैं, लेने के बाद जब हमारी रफ्तार देखते हैं तो उनका उनको समझ में आ जाता है कि शायद ये क्लास हमारे लिए नहीं बनी है। तो क्यों ना फिर दो सेक्शन ही डिवाइड कर दिया जाए, बेसिक वालों के लिए अलग और फाइनल वालों के लिए अलग। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा बनाएंगे और फिर आराम आराम से पढ़ते रहेगा, फाउंडेशन वाले आराम से अपना उधर पढ़ते रहेंगे और इधर फाइनल वाले फास्टली पढ़ते रहेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ईजिली दोनों कैटेगरीफाइज रहेंगे आपका एग्ज़ाम, इससे रिजल्ट निकल के आएगा कि हाँ रिजल्ट कितना आ रहा है, फाइनल से कितना निकल रहा है, और फाउंडेशन वालों को बाद में फाइनल में डाल दिया जाएगा। जैसे उनका लेवल एक क्रिएट हो जाएगा तुरंत ही वो फाइनल में आके एग्ज़ाम देना है आपको, जब फाइनल बैच में हम डालेंगे, ऐसा कुछ सीन क्रिएट करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? और क्या, बैच अलग, टीचर अलग, क्लासेस अलग, उधर भी जीएस चलेगा तो उधर भी आर्ट एंड कल्चर चलेगा। और क्या, कुछ कंबाइंड क्लासेस भी रखेंगे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास है, कंबाइंड रख लेते हैं। मैं अपनी क्लास थोड़ा बड़ी रखूंगा, सबको एक साथ लेके पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा ना कि दो घंटे वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, दो घंटे उधर जा कर रहे हैं, एक साथ ही तो कुछ में करेंगे। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं फाउंडेशन के साथ काम ही अलग करना, क्योंकि मैंने अभी तक जो एसोसिएशन में पाया कि आप लोग सब बेकार है, ना एनसीईआरटी पढ़ी, दो पेज पढ़ के बस हो गई, कंप्लीट हो गई, सब देख लिया आप लोगों का, जितना किया धरा था, अब समझ में आ गया कि आपके क्या हालात होने वाले हैं। इसलिए बढ़िया है कि हम ही सतर्क हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आप तो सुधरने वाले नहीं हो, हम ही सुधर जाएं, है ना? क्यों शिवानी जी, सुधर जाएंगे कब तक? एग्ज़ाम से पहले पहले सुधर जाएंगे। ये दरअसल ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। ग्रेजुएशन में होता था कि आज हिस्ट्री का ही पेपर होना है, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी और हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, इंडियन पोस्ट, एक साथ ही एक ही दिन में सारा। और फिर उसके दूसरे मीटिंग पॉलिटी, सोशल जस्टिस, IR, ठीक है, उसका एक पेपर और। तो ये सिविल सर्विसेज है, यहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी अलग है। और जिस दिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम GS का होता है वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, IR सब कुछ पूछता है PT वाले दिन। तो लेवल अलग है, मैथ, रीजनिंग और एक ही दिन में सब कवर, तो लेवल अलग है ना। यहाँ पे अब ग्रेजुएशन की आप स्ट्रेटजी लेके चलोगे थोड़ा ना हो पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे संभालना पड़ेगा हमें खुद। बाकी जो लोग लगभग मुझे लगता है 6-7 महीने 8 महीने बिता चुके हैं, उनके क्या हाल चाल हैं? क्यों सूरज जी, हाँ सिनॉप्सिस के लिए मैंने क्लास कब ली थी पहली क्लास जो सिनॉप्सिस के लिए थी, मुझे लगता है कि मैंने लिया था ठंडियों में, सिनॉप्सिस को कैसे बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, तब समझ में नहीं आया। फिर दूसरी क्लास ली तब भी नहीं समझ में आया, अब जाके समझ में आ रहा कि हाँ सिनॉप्सिस बनाना चाहिए। फिर दोबारा एक बार में नहीं समझ में आया था, चलो ठीक है। और बाकी जो पुराने वाले हैं, पुराने में और कौन है? हाँ ये बैठी हैं, क्या हाल चाल है? चल रहे हैं ना, चलते ही तो नहीं है आप लोग। ब्रजेश जी, अरे दूसरे अनिल जी ये भी हैं, हाँ सब सही है, आपका तो पंचवर्षीय योजना है, अभी उम्र ही नहीं हुई है, कितनी एज है? अभी 19 साल के हैं और 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कब जाएंगे? 2 साल बाद, 2022 में देना है आपको, 21 में देंगे, 22 में दीजिएगा आप, कम से कम 5 साल तो हो जाए पूरे फिर आराम से। शिवानी जी क्या ठीक चल रहा है? आधी ज़िंदगी तो घर, घर की समस्याएं, घर की प्रॉब्लम, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है घर पे? चलिए और कौन है यहाँ पे पुराना? हाँ हिमांशु जी ये पुराने हैं, हिमांशु जी और अरुण जी आप भी दोनों पुराने हैं, आप ज़्यादा पुराने हैं, दोनों एक साथ आए थे। अच्छा आप लोगों का ठीक चल रहा है, आपका ठीक चल रहा है, आपका नहीं ठीक चल रहा है? चलिए ठीक, मानसिक तौर पे स्वतंत्र हैं,
देखो क्या होता है, हम मेंटली स्वतंत्र नहीं होते, दिमाग में कोई ना कोई उलझन बैठी रहती है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब हो सकता है कि आप लोगों को प्रेशर घर वालों से भी पड़ रहा हो, घर वाले नहीं कुछ बोल रहे, घर वाले 5-6 महीने ही देखते हैं बस, उसके बाद ही बोलना चालू कर देते हैं। उसके बाद रिजल्ट आया किसी का, तुरंत फ़ोन लगाएंगे, बेटा रिजल्ट आया है। आए भी होंगे आपको 2-4 लोगों के रिजल्ट के फ़ोन, अभी IAS का जब रिजल्ट आया होगा तो फ़ोन आए होंगे घर से, बताया तो नहीं घर वालों ने रिजल्ट किसी का। किसी दिन पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, और मैं चाहता हूँ पेरेंट्स मीटिंग में एक टॉपिक लेता हूँ और 6 घंटे वाली क्लास एक बार उनके साथ ले लेता हूँ। तो 6 घंटे वाली क्लास में जो है उनको पता चले कि बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग ही टॉपिक पूरे उठाते हैं और देखते हैं कि इन लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में हो सकता है। अध्यात्म में जिन लोगों का हो अध्यात्म की क्लास, ठीक है, जिसकी पॉलिटिक्स को समझ में आता हो उसको पॉलिटिक्स की क्लास, जो विषय वस्तु हो, किसी कोई मरीज हो तो उसको बीमारी वाली बायो की क्लास, है ना। तो ऐसे ऐसे मैं कुछ क्लासेस जो है ऑर्गेनाइज करना चालू करता हूँ ताकि उनको पता चले कि बच्चे को कितनी मेहनत पड़ती है। मुझे गार्जियन मिल भर जाते हैं, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि भले आ गए आप। अभी बीच में एक मथुरा से आए थे और मथुरा से सौभाग्य से वो जो आई थी वो मतलब मैरिड लाइफ थी और ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों आया था। अब उसके बाद मुझे मज़ा आ गया, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। दोनों को रोका गया, पहले उनको बताया मैंने, मैंने कहा कुछ नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। दोनों एक्साइटेड थे कि नहीं पढ़ेंगे, वो दरअसल ऑनलाइन बैच से पढ़ रही थी तो उनको ये लग रहा था कि नहीं मुझे ऑफलाइन जाके पढ़ना चाहिए, और घर में बेबी भी था छोटा प्रॉपर, तो इतना इजी नहीं होता है, लगता है वो कि हम कर ले जाएंगे। शुरुआत का जोश अलग चीज़ होती है, जोश कंटिन्यू रहना अलग चीज़ होती है, जोश बनाए रख पाना वो बहुत बड़ी बात होती है। शुरू तो कोई भी कर देता है, कोई इंटू पिंटू कोई भी चीज़ शुरू कर सकता है, लेकिन कितना लंबा चल सकता है। 4 बजे एक दिन में जग सकता हूँ, लेकिन 1 साल जग लूँ तो हाँ मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, वो मेरे बस की बात नहीं, वो मेरे पिताजी के बस की बात है, वही जग सकते हैं डेली। तो 1-2 दिन का मोटिवेशन अलग चीज़ होती है, लगातार मोटिवेशन बनाए रखना अलग चीज़ होती है। तो घर वाले अभी भी इस बीच में फ़ोन करेंगे, घर वाले नहीं करेंगे तो रिश्तेदार ज़रूर करेंगे, ठीक है। रिश्तेदार भी परेशान करते हैं, रिश्तेदार आपको नहीं फ़ोन करेंगे, आपके घर वालों को फ़ोन करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के रिश्ते भी आने शुरू हो जाएं, कुछ लोग शादीशुदा भी हो चुके हैं इस बीच में, रिजल्ट आने शुरू हो गए आपके, पहले ओपिनियन पोल, फिर एग्जिट पोल, फिर फाइनल रिजल्ट भी आ गया आपका, तो शादियाँ भी होनी शुरू हो जाएंगी इस बीच में। अभी देखे एक मामला विवेक ओबराय जी ने, मतलब क्या सोच रखते हैं लोग। तो फाइनली हर तरीके की कंडीशन अभी आपको झेलने को मिलेगी। अभी लौकुश जू का मुझे लग रहा है आप भी उम्मीदवार हैं इस बार, प्रत्याशी हैं, घर से आ रहे हैं, रिश्ते विश्ते आ रहे हैं कहीं से? अच्छा, 4 साल के लिए घर वालों को मना कर रखा है आपने, तो प्रॉपरली बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 99% आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। गर्ल्स के साथ बहुत दिक्कत होगी, जो शादीशुदा सुखी हो चुके हैं उनके लिए नहीं, जैसे ये स्वतंत्र हैं अब कुछ नहीं होगा, ये भी स्वतंत्र हो चुके हैं कुछ नहीं होगा, जिनकी मैरिड लाइफ नहीं हुई है उनको दिक्कत होनी शुरू होगी, उनके ऊपर प्रेशर आना चालू होगा, हो सकता है शुरू भी हो चुका हो, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, घर वालों की एक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा के ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे ये बिल्कुल आनंद है, आनंद कोई टेंशन नहीं है, है ना। अभी नहीं हुई, आप पहले मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, वैसे तो मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ शादीशुदा नॉट अलाउड, आगे जा करके यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, बाहर ही लिखवा देंगे कि शादीशुदा व्यक्ति जो है प्रवेश ना कर, प्रवेश वर्जित, ठीक रहेगा। पता कैसे चलेगा ये शादीशुदा है कि नहीं, ऐसी तो कोई अभी साइंस में बना नहीं है कि किसी का पता कर सके, किसी का नहीं पता चल जाता है। शादीशुदा होना महिलाओं का है कि हाँ कुछ निशानी है, उनका सुहाग का निशानी है, पता चल जाता है, फॉर्म में भरवा लेंगे डिक्लेरेशन, क्योंकि ओवरऑल नहीं हो पाती तैयारी, ये भी कर रहे हैं तो बड़ी जटिलता से कर रहे होंगे, 8-9 घंटे तो घर में बात होती होगी, कभी बच्चों की प्रॉब्लम, माता पिता की प्रॉब्लम, पत्नी की प्रॉब्लम होता है ना, वो तैयारी में नहीं होना चाहिए वो सब चीज़ें। अब इनसे संत शिवानी जी से पूछिए, एक्सपीरियंस है पूरी तरीके से, यहाँ पे कई लोग आए, एक ब्रजमोहन जी आए हुए थे,
वो भी एक बड़े जोश जोश में आए, फिर बाद में जोश ठंडा हो ही जाता है, बीबी के आगे किसी का जोश नहीं चलता। मैं इनको अब इनको समझा नहीं पाया, जब रिश्ता तय हो गया तब फाइनली शादी वाली डेट में बताया इन्होंने। अब आपका जोश ठंडा ना पड़ जाए, यही बड़ी बात है कि कहीं बीबी ये कहने लगे कि कुछ भी कर लीजिए, है ना, कहीं संस्कृत के टीचर ही बन जाइए, कहीं योगा टीचर बन जाइए। वो साला कंडीशंस बहुत सारी होती हैं कि बहुत कम लोग हैं जो आपका सहयोग कर पाएंगे। 99 केस बता रहा हूँ, बिल्कुल होता है। और कुछ समय बाद जानते हैं आपके दिमाग में मोरल नैतिक दबाव आ जाएगा, मोरल प्रेशर पड़ेगा कि मैं कब तक पैसे मांगूंगा घर वालों से। इसके लिए मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ। जब शुरुआत में तैयारी कर रहा था तो शुरुआत में हुआ कि यार अब कब तक मांगेंगे। यदि ये दिमाग में सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप यदि 23 साल तक पैसे मांगते आए हैं तो 24 साल और सही, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा घर वालों का, ठीक है। 23 साल तक यदि वो कहीं से जुगाड़ करके भी देते हैं तो एक साल और दे देंगे, लेकिन उस एक साल के चक्कर में अपना सब बिगाड़ मत डालिएगा, ध्यान रखिएगा। ये पागलपन होता है, बेवकूफ़ी होती है। घर वालों की जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना, बस ये कि उस पैसे को अन्यथा खराब मत कीजिएगा, बस ये है। अन्यथा खराब होने का मतलब ज़्यादा कभी कपड़े वपड़े में खर्च मत करो, ज़्यादा खान पान इतना रखो, सीमित और संयमित चीज़ें रखो बस। ड्रिंक विंक तो नहीं करते कोई आप में से, हमारे बीच में कोई ऐसा तो नहीं है जो पीता भी हो, हाँ, कोई ड्रिंक करता है आप में से? खुल के बता सकते हैं, खुल के चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, कभी कभी बीच बीच में चल जाता है। अच्छा, आप कभी कभी बीच बीच में चल जाता है। अच्छा, तो कैसा, मतलब थोड़े से में हो जाता है काम की काफ़ी लंबा है, हाँ, वो वाली हालत नहीं बनती है, सामने वाला पहचान नहीं पाएगा कि आपने पिया है कि नहीं पिया। छात्र जीवन में नशों से दूर रहना चाहिए। ये आमतौर पे क्या होता है, जो लाइफ स्टाइल बीटेक का होता है, जो बीटेक से निकल के आए हैं या प्रोफेशनल डिग्री से निकल के आए, बीए का बच्चा तो नहीं पीता है। यदि बीए के बच्चे के पास पीने के लिए पैसा हो तो बीटेक ना कर लेता। वो क्या होता है कि बैंक से लोन लेकर के किसी तरीके से एडमिशन होता है, चूंकि एक कल्चर बन चुका है यूपी में इन सब जगहों पे कि हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही जाना है। गाइडेंस का अभाव भी होता है, वो बाद में पता चलता है कि गलत चले गए थे, हमारा स्ट्रीम इधर था ही नहीं, हमारा रुझान नहीं था इधर, वो कैरियर काउंसलिंग नहीं कभी हुई, कोई समझाने वाला नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से नशाखोरी नहीं करनी चाहिए, इससे कोई बहुत बड़ा आप फ्रैंक नहीं बन जाओगे या बहुत कुछ वो नहीं हो जाओगे। नशाखोरी यदि आप करते भी हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी बहुत ज़्यादा उम्र आपकी हुई नहीं है, अभी आप पीछे हट सकते हो उससे, ठीक है। शादी विवाह में भी नहीं पीना है, ठीक है ना लवकुश जी। कोई भी यदि ड्रिंक करता हो, मैं इतनी बड़ी उम्र हो गया, कभी कभी मैं बैठ के खुद सोचता हूँ कि ज़िंदगी के आधी चीज़ों के बारे में तो पता ही नहीं है, बस थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं पता। आज तक मैंने स्मोकिंग नहीं की, आज तक मैंने ड्रिंक नहीं किया, आज तक मैंने गुटखा नहीं खाया। लोगों को खाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आधी चीज़ों को बड़ा मज़ा आता होगा। आज तक मैंने मांस का भी मज़ा नहीं लिया, मैं मांस वांस के विरोधी नहीं हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी खाने की, अंदर से नहीं। मैं बहुत बार मेरे दोस्तों ने मोटिवेट किया खाने की प्रयास किया, लेकिन मैं मोटिवेशन ही नहीं आ पाया। कई बार कोशिश भी बहुत नज़दीक तक पहुँचा, लेकिन फिर आत्मा ने धुतकार दिया कि कहाँ जा रहे हो भाई, है ना। तो प्योर वेजिटेरियन पर्सन, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं मैंने। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो ड्रिंक करते भी है ना तो बहुत खुशनुमा ज़िंदगी नहीं जीते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ जीते हैं। कोई ड्रिंक तब करता है जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या तो फैमिली से फ्रस्ट्रेट है या तो अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट है। बीटेक के फाइनल ईयर आते आते थोड़ा बहुत चलना शुरू हो जाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो कुछ समय तक वो महात्मा बुद्धा रहता है, फिर आगे जाके वो फ्रस्ट्रेशन की लाइफ में गुजरना चालू करता है, या तो रैगिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका कल्चर कुछ अलग है प्रोफेशनल डिग्री का। तो कहीं ना कहीं क्या होता है लवकुश जी, बताइए। आपके अच्छा रिलेटिव्स जो पीते हैं उनके साथ बैठ के या दोस्तों के साथ? पिलाता कौन है आपको? आपके रिलेटिव्स पिलाते हैं, सब पीते हैं इसका मतलब?
ऐसी कंडीशन में तो नहीं बच सकते आप। लेकिन दोस्त यदि पिलाए तो मुझे लगता है वो दोस्त होता नहीं है। जो दोस्त आपको ज़्यादा मतलब किसी ऐसी चीज़ के लिए मोटिवेट करे जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी, जो आपके पीछे पड़ जाए, मेरे हिसाब से ऐसे दोस्तों को छोड़ देना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। वो आपको फंसा रहा है एक ट्रैप में। कभी आप लोग जाइए नशा मुक्ति केंद्र वगैरह, वहाँ देखिए कैसे लोग मर रहे हैं। नदीक से जाके देखिए जो ड्रिंक करके आता है उसके घर में क्या होता है। तो छात्र जीवन में नशा मुक्ति बिल्कुल जो भी नशा करते हो आप, गुटखा भी खाते हो, मैं आपको सलाह दूंगा मत खाइए, छोड़ दीजिए। गुटखा तो नहीं खाता कोई यहाँ पे? कभी खाते रहे हो पहले? क्योंकि एक बार जैसे ही हैबिट में क्रिएट होगा, बहुत चीज़ों की हैबिट होती है। गुटखा यदि खाते हो तो भी छोड़ दीजिए। कोई स्मोकिंग तो नहीं करता यहाँ पे? लड़कियाँ भी करती हैं स्मोक वगैरह तो? हाँ बिल्कुल, तो कहने की कोई बात नहीं। पीते हैं आप ब्रजेश जी? नहीं पीते। तो कोई भी स्मोकिंग ना करे। एक और नशा है, एक बड़ा नशा जो आज के सोसाइटी में इंटर करता जा रहा है और सोसाइटी में कोई चर्चा करने वाला नहीं, पोर्नोग्राफी का नशा। पोर्नोग्राफी में भी लोग इंटर कर चुके हैं और लोग जो है परेशान है, बेहाल है, बहुत बुरी कंडीशन है। पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ट्रैप में आ चुके हैं पोर्नोग्राफी के। ये पूरी इंडस्ट्री अभी इंडिया में पता नहीं क्यों इस चीज़ को सही से बैन नहीं किया जा रहा। अभी बीच में बैन हुआ लेकिन सही से बैन नहीं हो पाया, ट्रैप में फंस गया स्टूडेंट। पढ़ाई की जगह पे हाथ में मोबाइल है, 4G इंटरनेट है और इसके बाद वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है, पोर्नोग्राफी में इंटर कर जाता है। हमारी सोसाइटी में ना कोई चर्चा करने वाला है, ना कोई बताने वाला है। स्टूडेंट चाहता है कि उससे बचे लेकिन कैसे बचे? मैंने आप लोगों को एक बार मैंने क्लास ली थी आलस्य से कैसे बचें, उसमें मैंने आपको शरीर वासना ऐसे करके काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपकी वासना आपके ऊपर छा जाएगी आकर के, आपको पढ़ने नहीं देगी, आपको रोक देगी। तो यदि आप पोर्नोग्राफी में भी जाकर नशे में चले गए हैं तो भी मैं आपको सलाह दूंगा कि इससे भी बचिए, ये बहुत बड़ा नशा है, आपको मार देगा, किल कर देगा, आपको आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। आप किसी काम के नहीं बचेंगे, किसी काबिल नहीं बचेंगे, आपको पूरी जड़ से खत्म कर देगा। ठीक है, 99% लोग पढ़ो। देखो मैं नहीं कह रहा, होता है आप जैसे जैसे एक एज में क्रिएट पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको प्रेशर, नेचुरल प्रेशर होता है, प्राकृतिक प्रेशर है, प्राकृतिक दबाव है, लेकिन उन सब चीजों को रेगुलेट किया जा सकता है। बहुत तरीके हैं रेगुलेशन के, मास्टरबेशन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उस पे आप यदि नशे में तब्दील कर देंगे उसे, आपको खा जाएगा वो बहुत। ये ड्रिंक वगैरह जो करते हैं लोग, शराब करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, इससे भी बड़ा नशा है, आप कुछ काबिल नहीं बचोगे। तो मेरे हिसाब से पहले जो कम उम्र में शादियां होती थी उसमें इसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि इन चीजों पे लोग नहीं फंस पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे डिले होता जा रहा है लोग इस दिशा पे जा रहे हैं। और बड़ी विडंबना है कि देश के अंदर कोई भी इस विषय पे बात करने को तैयार नहीं, इंडिया जैसे देश पे जहां पे आबादी बढ़ती जा रही है, जहां पे युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। युवा क्या काम कर रहा है किसी को नहीं पता, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, उद्देश्य विहीन है। ठीक है, आपको इसको किसी ना किसी तरह खुद ही रेगुलेट कर पाओगे, क्योंकि आपको ही पता है कि किस सिचुएशन में आप जाते हो। लोग रात में कितना लेट सोते हैं इन सब चीज़ों के कारण से। पहले तो टीवी नशा था, टीवी से बड़ा नशा ये आ गया मोबाइल, क्योंकि आंखों के सामने है जो चाहो। टीवी में ये था कि जो दूसरे वाला आपको दिखाना चाहता था वो आप देखते थे, इसमें आप जो देखना चाहते हो वो देख सकते हो, दोनों में बहुत अंतर है। टीवी आसान था, ये बड़ा कठिन हो गया। आजकल तो मैंने जो केस स्टडी की है, छोटे छोटे बच्चों को मैंने पाया है, 5-6 साल का बच्चा है, हाथ में मोबाइल दे दिया गया, टेबलेट दे दिया गया, किस दिशा में क्या काम कर रहा किसी को नहीं पता। माता पिता के पास इतना टाइम नहीं कि अपने बच्चे को चेक कर सके। तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप यदि इन सब चीज़ों पे हैं तो कृपया इनसे निकलिए, तभी आपका मन पढ़ाई पे लग पाएगा। कर सकते हैं आप, अपनी एक संयमित दिनचर्या बनाइए, अपना खान पान सुधारिए बहुत। जब ये सब कुछ हेल्दी हो जाएगा आप बिल्कुल टोटली, कुछ समय की बात कर रहा हूँ, एक बार जो है अपने टारगेट को पाइए, फिर इसके बाद आराम से मोहन जी की तरह विवाह कर लीजिए और इसके बाद फिर आराम से लाइफ का आनंद लीजिए। पढ़ना, देखो जिंदगी भर पढ़ना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि 35-36 साल की उम्र तक आप पढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप लोग 25-26 साल तक, 27 साल तक, कितनी लेकिन इन्होंने सही किया, तो 25-26 साल तक आप सेलेक्ट हो जाएं कहीं भी ना कहीं पर भी, या फिर अपना फाइनली आप डिसीजन ले लें कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और इसके बाद जो है विवाह कीजिए, ज़िंदगी के आनंद लीजिए। जिनको अविवाहित ज़िंदगी जीना है
डॉक्टर वो रामदेव बाबा जी की तरह, तो अविवाहित अपना जो भी है काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है अभी जितना फोकस इस चीज़ पे लगा देंगे, अपना फोकस बांटिए मत बहुत। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मुझे थ्योरेटिकल चीज़ पसंद नहीं है। मैंने बड़े नज़दीक से देखा है, मेरे कितने दोस्त तबाह हो गए। कितनी बार मैंने समझाया, बैठा के समझाता हूँ कि यार नहीं ऐसा मत करो, कुछ नहीं होगा लाइफ में, खराब हो जाएगा, जितना ब्रेन का पावर है वो सब चला जाएगा। आपका फ्यूल होता है जो स्पर्म होता है, वीर्य है ना, वो आपके ब्रेन का फ्यूल होता है। आपका दिमाग कमज़ोर होता चला जाएगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपके दिमाग में थकान आनी चालू हो जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाएगी। यदि आपको इसको संजोना पड़ेगा, आयुर्वेदा में इसे सप्त धातु के रूप में बोला गया है, ठीक है। तो यदि आप, ये सातवीं धातु है आपके शरीर की और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपको संजोना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। यही आपके बॉडी का मेन चीज़ है, मेन स्ट्रीम है। आपकी एनर्जी पूरी डल हो जाएगी, आप क्या किसी ओजस्विता खत्म हो जाएगी, आपके शरीर का ओज चला जाएगा, तेज चला जाएगा, आप निस्तेज हो जाएंगे। ये आपके शरीर की एक मड़ी है, और ये मड़ी आप यदि खत्म कर दे रहे हैं ऐसे ही, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं आप लोगों से इस चीज़ को लेकर के विनम्र निवेदन, कभी मैं बैठूंगा आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि देखो सेम एज के हम लोग, सेम एज ग्रुप के हैं, हम कभी इस पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ों पे लोग जो है इसको बड़ा अन्यथा लेते हैं, कभी माता पिता ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, मेरे भी माता पिता ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली कि इन चीज़ों पे आकर मुझे एजुकेट कर सकें। तो एक शिक्षक के नाते मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ। मैं बहुत खुले विचारों का व्यक्ति हूँ, ठीक है, बहुत, इसे कहते हैं फ्रेंकनेस। फ्रेंकनेस का मतलब ये थोड़ा है कि आप ड्रिंक कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप समाज के मुद्दों पर बात कर रहे हो, सोशल मुद्दों पर, ठीक है। तो कभी हम इन विषयों पर भी बात करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम का मैं एक कंप्लीट सोल्यूशन भी दूंगा कि कैसे इन चीज़ों से बचें यदि आप फंस चुके हैं ट्रैप से। क्योंकि इस दौरान मैं भी इस उम्र में हूँ, तो मैं इससे कैसे बचता हूँ, मैं ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे साझा करूँगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जो 18 घंटे अपने आप को बिजी रखता है काम करने पे। सच में 18 घंटे मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ काम करने, मेरे पास टाइम ही नहीं किसी चीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। जब आपके पास समय नहीं होगा तो आप क्या कुछ करोगे, कैसे आप गलत चीज़ों पे जाओगे, कैसे आपको नशाखोरी पसंद आएगी, कैसे आपको गलत लोगों की संगत पसंद आएगी, कैसे गलत लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे। गलत लोगों को चाहिए ज़्यादा टाइम, जैसे आपके पास बहुत टाइम है तो लोग आपके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मेरे पास आते हैं टाइम ही नहीं मिलता उनको। जब उनको टाइम नहीं मिलता वो खुद परेशान हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। गलत आदमी मेरे पास आ गया, मैं 4 घंटे पढ़ाई वाली बात कर दूंगा, अब वो चीज़ थोड़ा ना उसे पसंद आएगी, क्योंकि वो चीज़ पसंद आती तो क्यों ऐसा घूम रहा होता। तो आपको भी अपने लाइफ में व्यस्तता लानी होगी। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जैसे आज मुझसे कहेंगे मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ भी और नहीं भी हूँ, ठीक है, 50 चीज़ें और भी मैं करता हूँ, तो जब स्टूडेंट लाइफ में था, आपकी उम्र में था, तो मेरे भी दोस्त थे, और हर तरीके के दोस्त थे, पीने वाले दोस्त भी थे, मेरे रूम पार्टनर थे, पीते थे, स्मोकिंग करते थे। लेकिन उस दौरान भी कभी नहीं होगा तो मैं प्रैक्टिकली बुलाऊंगा, मेरे कुछ मित्र हैं और मैं आप लोगों को उनसे मिला के बताएंगे कि ये रवि प्रकाश किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसे पढ़ता था। ये मैं अपनी खुद की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन उस कंडीशन में भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस था अपना। वो जब आके बैठते थे, बातचीत करते थे, उन्हें पता होता था यार ये बिजी है, ये नहीं पढ़, ये नहीं जाएगा। तो आपकी ऐसा नहीं कि आपके परिवेश में लोग आप बदल दोगे, आपको अपने आप को व्यस्त रखना होगा ताकि लोग आपसे, आप पे इम्पैक्ट ना कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तभी जाके आप अपने लक्ष्य को पाते हो। लक्ष्य बहुत बड़े नहीं है, लक्ष्य बहुत छोटे हैं, लेकिन फोकस बटा हुआ है 50 चीज़ों में। किसी का फोकस कहीं बटा हुआ है, किसी का फोकस कहीं बटा हुआ है, किसी का फोकस कहीं बटा हुआ है। जिसका फोकस नहीं बटा हुआ है वही सफल हो रहा है। हमें एक फोकस रखना है अपने लक्ष्य की ओर, और फिर भागते हुए चले जाना है, फिर देखिए क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एक हेल्दी लाइफ जीनी है हमें, स्वस्थ जीवन। मैं हमेशा कई बार चर्चाएं कर चुका आप लोगों को, कई बार मैं आप लोगों को रूटीन बता चुका, और जो रूटीन मैं आपको बताता हूँ ना, वो रूटीन ऐसा नहीं मैं फॉलो नहीं करता। किस दिन मैं सुबह से शाम तक की आपको रूटीन अपनी वीडियो बना के दूंगा, मैं सुबह शाम तक करता क्या हूँ, किस दिन कंप्लीट बड़ा नेचुरल वे पे वीडियो बनाऊंगा, आप खुद देखोगे कितना मतलब ईजी और कितना अच्छे से पूरा सुबह शाम तक पर्सन व्यस्त रहता। सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा और भी 50 चीज़ें जो करनी होती हैं, फैमिली को भी टाइम देना, सबको टाइम देते हुए भी अपने काम पे लगे रहना, यहाँ क्लास लेना, कभी दिल्ली जाना, कभी यहाँ करना, कभी वहाँ भागना। ज़िंदगी इतनी आसान किसी की नहीं होती है, लेकिन आपको तय करना होता है कि आपको अपने लाइफ को किस डायरेक्शन पे ले जाना है। तो मेरी बात समझिए आप लोग, यदि आप 50 चीज़ों में फंसे हुए हैं तो उससे आप फोकस्ड होइए और अपने एग्जाम की तरफ लग जाइए।
सब चीज़ से आप जीत सकते हैं, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आपको हराने वाला सिर्फ एक आदमी है, वो खुद आप बैठे हो अपने आप को हराने के लिए। आप खड़े हो जाते हो अपने आप सामने कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा टाइम खराब कर दूंगा। वो सिर्फ एक आदमी है जो आपका टाइम खराब करता है, वो खुद आप ही हो, जो मानसिक तौर पे अपने आप को कमजोर समझता है ऐसा? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? कोई चीज़ मेरी ऐसी तो नहीं लग रही कि मैं गलत डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ? मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ हर विषय पे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना? तो कोशिश करिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। ये सब अभी के लिए नहीं है, हर चीज़ का एक समय होता है, और जब समय से आप चीज़ों को चलते हैं तो समय के साथ आपकी हर चीज़ होती भी है, आपको सक्सेस भी टाइम के साथ मिलेगी। यदि आप गैर समय की चीज़ अभी करोगे तो वो चीज़ आपको बाद में मिलेगी फिर, और डिले होता चला जाएगा। ठीक है, अभी नशेखोरी का टाइम नहीं है। मैं भी सोचा हूँ 60 की उम्र के बाद हर चीज़ का मज़ा लिया जाएगा। ठीक है, फिर ड्रिंक भी करके देख के जाएंगे जाते जाते, है ना? ड्रिंक का भी मज़ा, स्मोकिंग का भी मज़ा, गुटखा उटका खा पी के बिल्कुल पान बिल्कुल फिट करके वो भी मज़ा लेके जाएंगे। लेकिन अभी यदि मैं करने लग गया तो मुझे नहीं लगता मैं चलो क्लास आ रहा हूँ गुटखा खा के, खैनी खा के आ रहा हूँ पढ़ाने, है ना? मैं रात दिन मतलब जगने की बात कहोगे तो 48-48 घंटे जग के बोर्ड भरता हूँ, एक किताब लिखता हूँ 48 घंटे में, तो क्या मैं खैनी खा के भरता हूँ? को लोग कहते हैं कि नींद नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अरे अपना ही मजा बताया ना, मुझे एक अलग नशा है, तो पॉजिटिव नशा तैयार कर लीजिए। कोई हेल्दी रहने का नशा, जिम करने का नशा, खान पान का नशा, लेकिन वो अलग है, वो जो निगेटिविटी है वो चीज नहीं जानी चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है ना? सब कुछ करो लेकिन नियंत्रित। यदि आप कोई निगेटिव चीज करो तो नियंत्रित होती नहीं है कुछ समय के लिए निगेटिव। कोई भी यदि आपकी बुरी आदत है तो शुरुआत छोटी हुई होगी उसकी, जैसे ये कह रहे हैं कि कभी कभी ओकेजन में पीते हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा, मान लो कभी फ्रस्ट्रेट हुए अभी हाल फिलहाल में, फिर आप फिर सोचोगे कि ओकेजन छोड़ो, आज फिर एक नया जश्न का टाइम आया है, फिर वो दुख के टाइम पे फिर मंगाओगे बोतल, फिर पियोगे आप, फिर धीरे 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 आपको नींद ही नहीं आएगी जब तक आप उसे पियोगे नहीं, हैबिट में तब्दील हो जाएगा। पोर्नोग्राफी के साथ ये होता है, जो लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं जब तक वो पोर्नोग्राफी से जुड़ते नहीं तब तक उन्हें नींद नहीं आती आज के टाइम पे, ये कंडीशन क्रिएट हो चुकी है लोगों की। तो नशा बहुत छोटे से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, और बहुत तेजी से वो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि कुछ कहने को नहीं, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचिए, देश के युवाओं को इन चीज़ों से बचाना भी पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कहाँ चले जाओगे पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? नियंत्रित कीजिए, संयमित कीजिए, थोड़ा सा अच्छी दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा योगा करना, ध्यान करना। जब आज के टाइम में कितनी अव्यवस्थित जिंदगी है, कौन योगा करता है आज के टाइम में? कोई नहीं करता, कोई ध्यान नहीं करता, कोई हेल्दी लाइफ की तरफ नहीं जाना चाहता। क्या बेनिफिट उसका लगा? कुछ बेनिफिट मिलता है? 5-6 महीने में होता है उसका बेनिफिट? अच्छा, मतलब आप शादियों में जाते हैं तब आपका वो ध्यान भंग हो जाता है डायरेक्शन, है ना? कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, बीच बीच में भंग होने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। बीच बीच में आज नहीं किया, मैं तो बोलता हूँ कि एक दिन सप्ताह में रखो शोक काल के रूप में, सप्ताह में एक दिन रखो शोक काल के रूप में, जिस दिन पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करो, या महीने में एक दिन रख लो शोक काल, लाइट बंद, अकेले बिस्तर में, मोबाइल बंद, सब बंद, अकेले पड़े रहो, 4-6 दिन के शोक काल में चले जाओ। जैसे वो जाती थी ना, उसका क्या नाम था, राजा दशरथ की पत्नी थी कैकेयी, वो कोप भवन में चली गई थी। ऐसे बना लो, 1-2 दिन में जरूरी है, दिमाग का कचरा साफ होना चाहिए, है ना? रेगुलरिटी या पंक्चुअलिटी जो है ऐसा नहीं है, जब आप बीच में ब्रेक करते हो उसका भी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आज से कम आज चलो, जो भी आप नशे में हो, जो भी आप करते हो, मैं चाहता हूँ कि कम से कम आज से प्रण करो कि आगे से आप उन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करोगे। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, अपने आप को बचाओगे। यदि जो किसी किसी को बहुत आदत होती है फ़ोन में बात करने की, घंटों बात करते हैं, ये भी एक बैड हैबिट है, लगे होते हैं बस कान में, अब लीड लग गई और बस चल रही है बातें, ये भी गलत है। स्टूडेंट लाइफ में हमें नियंत्रित होना है हर चीज़ से। किसी को फ़ोन देखने की बहुत आदत होती है, बस जब देखो बिल्कुल हाथ में फ़ोन गया, सब कुछ गया, बचो। हमारे हाथ में ये किताबें होनी चाहिए, यही हमारे सब कुछ है,
अभी के लिए आप छात्र जीवन जी रहे हो। छात्र जीवन पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी और गुरुकुल पद्धति में जो है ये सब नहीं होता था, सर मुड़वा दिया जाता। आज के टाइम में बच्चे क्या 20 से मांग निकालते हैं, पहले 20 से मांग निकालने का विकल्प ही नहीं दिया जाता था। बाल काटने, अपना जो है पूरा सेटअप मेंटेन करने, इसी में कितना टाइम चला जाता है, ये सब छात्र जीवन के लिए नहीं बना है। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन बाद जो है ना यहाँ पे जितने लड़के हैं, एक नाई रख लिया अंदर, आजाद इस अकेडमी में एडमिशन चाहिए, गंजे होके टीचर भी गंजे होके, हाँ धोती कुर्ता, अरे इतना नहीं, बड़ा यूनिक हो जाएगा क्या। ड्रेस कोड रख देंगे तो जो नए नए कपड़े खरीदती हैं उनको कौन पहन के आएगा, है ना, सब लोग तो पहन के आते हैं, सब खरीदते हो, सब कुछ करते हो, अपना अपना बढ़िया रंग बिरंगा विविधता होनी चाहिए। हम कक्षा एक दो में नहीं पढ़ रहे, वो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, ठीक है। नए नए कपड़े आप लोग खरीदते हो, अब उनको पहन के भी आना है, किस लिए खरीदते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, ऐसा भी होता है। अच्छा मैं अभी देखो, मैं सुबह सुबह नहाया धोया तेल लगाया बाल काढ़े क्यों किया, ताकि आप लोगों के सामने जाऊंगा तो अच्छा दिखूंगा, नहीं मैं ऐसे भी आ सकता था, है ना। मैं बाकी कहीं जाता हूँ घर में तो मैं 11-12 बजे तक सुबह नहाता नहीं हूँ, जिस दिन मुझे नहीं आना होता है तो उस दिन मुझे किसी को दिखाना नहीं होता। हम सजते हैं संवरते हैं कपड़े पहनते हैं दूसरों के लिए, ये बिल्कुल सही फैक्ट है, क्यों सही बात है कि नहीं है। सामने वाला जब बोल देता बड़े अच्छे लगते हो तो और अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो ये सब ह्यूमन नेचर है, अच्छा है। अब इस उम्र में कम से कम कपड़े पहनने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती आप लोगों के ऊपर कि ड्रेस कोड में आओ ये कुछ नहीं, वो खूब स्वतंत्रता छात्र जीवन में अच्छा लगता है, रंग बिरंगा माहौल देख के, सारे रंग हैं यहाँ पे। होली वाले दिन मैंने एक वीडियो जारी किया था, है ना, कि जीवन को रंगों से भरिए। हमारे दिमाग में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, हमारे दिमाग में कलरफुल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव है कि किस चीज़ को सही और गलत बताता है। हमारा प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कलरफुल, सब सही है सब गलत है, तो उसका मीनिंग यही है क्यों। चलो फिर ठीक है शुरू करते हैं। उद्देश्य मेरे सेशन का यही था कि अब आप लोग का एग्जाम प्रारंभ हो चुका है, आ गए हैं, जो लोग पेपर दे रहे हैं वो इन सब चीज़ों से बचें और बचने के साथ अपनी तैयारी करें, मेहनत करें, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात कि नहीं, चलो अच्छी बात है दी, समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं चित्रकला पे।